सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड देन उनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, आइए देखें हम कैसे करते हैं। हमें कहा गया है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, तो हमें एक फ्रैक्शन की यहाँ पे बात चल रही है, तो बट ऑब्वियस है उसमें एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है x अपॉन y। ओके, अब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई हैं इस क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन बनेंगी। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें कहा गया है वो हमने यहाँ लिख लिया कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, हमने 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यानी कि y, उसमें से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो फ्रैक्शन है इट रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन बन जाता है 1। ओके, तो हमारी कुछ कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से आता है, दैट इज x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। नाउ वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, y को हम एक तरफ लेकर आ गए, दैट इज माइनस वाई हो गया, प्लस वन को इधर ले आए तो ये माइनस वन हो गया, तो नाउ इट चेंजेस टू x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में जब हम देखते हैं क्या दिया गया है, सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब सेकेंड कंडीशन में हमसे कहा गया है कि हम जो है 1 ऐड करेंगे ओनली टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड करने वाले हैं, दैट मीन्स x अपॉन y प्लस 1, ऐसी कंडीशन रहेगी, तब इट बिकम्स 1/2, यानी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, y को हम एक साइड ले लेते हैं, सो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये बन जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसा हम जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल का कोफिशियंट सेम करना है, तो वो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे y और y का कोफिशियंट 1 है, माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1, दोनों का साइन माइनस है, सो हमें दोनों इक्वेशंस को साथ में रखना है और उनका साइन चेंज करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करते हैं हम, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस टू एक्स। ओके, एक्स माइनस टू एक्स करने पर हमें क्या मिलता है, माइनस एक्स मिलता है, माइनस टू एंड माइनस वन दैट इज माइनस थ्री। ओके, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 3, राइट। अब हम ये x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट अप कर दें, लेट अस से हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट अप की 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, देन 2 को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, वी गॉट 3 प्लस 2 इक्वल्स टू y, सो y की वैल्यू आ जाती है 5। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, सो हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y दैट इज 3/5।